अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर वेल। बाहर से शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में जैसे देख रहे हैं कि ट्रीज अपना कलर चेंज कर रही हैं। यहाँ फॉल सीजन चल रहा है। ये जैसे कि आप बहुत खूबसूरत व्यू देख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल फॉल कलर्स। ये साइड वॉक है, ये बेसमेंट की स्टेयर्स है जो कि अंदर की तरफ जाती हैं। ये बेसमेंट का डोर है। लेट्स गो एंड इंडोर टूर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स की कुछ कलेक्शन है जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। एंड आई लाइक दिस प्लांट सो मच। दिस इज माई एक्सरसाइज बाइक। ये कॉरिडोर है। And this is half washroom. Left side पर किचन है। This is kitchen area. और इस area को तो आप जानते होंगे और देखा होगा अक्सर मेरी videos में, क्योंकि मैं यहाँ पर ही videos shoot करती हूँ। और ये ओवन है जिसमें आमना केक बेक करती है। बहुत अच्छे केक बेक करती है, जस्ट लाइक जैसे स्टोर से बाय किए हों। और ये सरफेस है जो मेरे बड़े बेटे ने गिफ्ट किया था, और इस पर मैं अपनी अपडेट्स चेक करती हूँ। ये लाइट्स हैं, इनको हमने बहुत मुश्किल से पूरी फैमिली ने डिसाइड करके बाय किया था। होप यू गाइस लाइक इट। एंड दिस इज डाइनिंग एरिया। ये पेंटिंग मुझे आमना ने गिफ्ट की थी। एंड दिस इज थर्मोस्टेट। सबसे मज़े की बात इसकी ये है कि हम इसे बाहर से अपने घर का टेम्परेचर जो है उसको सेल के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं भी हम हों तो हम अपने घर के टेम्परेचर को इसके थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमारा लिविंग एरिया है। ये स्टेयर्स हैं जो बेडरूम और क्लोजेट्स की तरफ जाती हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट टू में दिखाऊंगी। और प्रीवियस हाउस में हमारी स्टेयर्स कारपेटेड थी, तो वहाँ से मैं बहुत दफ़ा स्लिप हुई। एक दफ़ा मैं स्लिप हुई तो मैंने जैद को कॉल किया हेल्प के लिए, तो जैद भी स्लिप हो गया। और फिर थैंक्स गॉड कि हम दोनों सेफ रहे और हमें कोई चोट नहीं लगी। की तरफ चलते हैं। हाई राइज बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और दूसरी बनकर रेडी हो चुकी है। और ये फुल व्यू है बैकयार्ड का। और ये बैकयार्ड है और यहाँ पर हमारा डेक बनाने का प्लान है, और यहाँ पे हम सारी फैमिली गेट टुगेदर करेंगे और बारबेक्यू करेंगे, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।